स्त्रियों का पहले तो काम बदलने का शुरू किया और फिर उनके जो स्थिति है, उनका जो स्टेटस है, वो बदलने का शुरू हुआ। मवेशी बेचारे घूमा करते थे, उन लोगों को हमारे जीने के साथ कोई लेना देना नहीं था। प्रकृति में जीते थे, उन लोगों को हमने, गुजराती में तो नाथ कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? नाथ पहना दे, महिलाओं को नथनी पहना दे, ये नाथ है। और जमीन, तो यह तीनों चीजों का संपत्ति में रूपांतरण हुआ और इसकी व्यवस्था के लिए फिर राज्य सत्ता की उत्पत्ति हुई। तो आदिवासी एकता परिषद जो बनानी पड़ी वो बेसिकली, और ये मैं नहीं कहता हूं, गांधी इतने सालों तक प्रार्थना किया, उन्होंने सन 1947 में उन्होंने कहा कि मैंने भगवान नहीं देखा है, लेकिन मैंने सत्य का आचरण करने की कोशिश किया है। इसलिए पहले ऐसा कहा जाता था कि परमेश्वर सत्य है, लेकिन अभी मन मुझे समझ में आ रहा है कि सत्य ही परमेश्वर है। तो इस देश में मान लो हम मूल निवासी नहीं है, आदिवासी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इस देश में अगर 7% हमारी जनसंख्या है तो इस देश के 7% संसाधनों पर हमारा अधिकार होना चाहिए। वो किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए मूल रूप से जितनी कॉम्प्लेक्सिटी, जितने ज्यादा कानून हम बनाते हैं, इतने छोटे लोगों को लिए ज्यादा कठिनाइयां बढ़ती है। तो आदिवासी एकता परिषद ने सोचा कि प्रकृति जो है वो प्रकृति समृद्ध रहनी चाहिए। ये सब पत्थर निकल गए, जंगल खत्म कर दिए, ये ठीक है, किसने काटा, कैसे काटा, हमने भी काटा था, क्योंकि हमने कभी खड़ा किया ऐसा तो देखा नहीं है, कुल्हाड़ ले लेके हम लोग भी निकले। तो प्रकृति की समृद्धि हम लोगों ने खत्म कर दी और घर में समृद्धि लाने की कोशिश किया। और समृद्धि इसको कहा कि जो चीज हमको खाने को उपयोग में नहीं, सोना खाने के लिए उपयोग में नहीं, चांदी हीरे खाने के लिए उपयोग में नहीं, वो जो भी होंगे, अगर धन नहीं होगा तो हम लोग मर जाएंगे। तो इंसान इंसान कैसे बनता है, तो इसमें से देखा गया कि कला से इंसान बनता है, सृजनात्मकता से इंसान इंसान बनता है। और इसलिए हमने सांस्कृतिक महासम्मेलन शुरू किया कि अगर इस दुनिया को बचाना है तो आदिवासियों की जो जीवन शैली है वो जीवन शैली को हम लोगों को वापस लाने पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम आदिवासी एकता परिषद का कोई छोटे निशान के लिए नहीं है, ये बड़े निशान के लिए है। और मुझे तो लगता है कि अगर बड़ा हम निशान रखते हैं तो ये मिनिस्टर बनना, चीफ मिनिस्टर बनना, पंत प्रधान बनना, ये छोटे छोटे निशान तो अपने आप ऊपर से टपक पड़ेंगे। आदिवासी शिक्षा के विषय पर अपनी बात रखेंगे गजानंद जी ब्राह्मण। साथियों, कई सारे वक्ताओं ने कहा कि पढ़ाई करना चाहिए, कई सारे वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना चाहिए, कई सारे साथियों ने कहा पढ़े लिखे सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते। हमारे मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल पहले और किसी की सरकार थी, वो सरकार ने कहा कि आदिवासी के बच्चे भूखे हैं, उनको हम खाना देंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार खाना शुरू हुआ दलिया, उसके बाद में मध्य प्रदेश की सरकार ने यह नीति बनाई कि मध्य प्रदेश में 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही बात कर देते हैं।
ये 10 साल पहले की मध्य प्रदेश सरकार की नीति, उसके बाद में अभी जो नई सरकार आई है हमारे प्रदेश में, नई सरकार ने क्या कहा कि पिछली सरकार आदिवासियों के लिए अच्छा काम नहीं करी, हम अभी आदिवासियों के लिए अच्छा काम करेंगे। वो अच्छा काम हमारी सरकार ने किया, मध्याह्न भोजन का दलिया चलती थी वहां पर दाल रोटी और सब्जी, उसी के साथ में जहां 5वीं तक पिछली सरकार पास करने की नीति बनाई थी, अभी की सरकार 8वीं तक किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना पढ़े पास हो जाओ, ये नीति हमारी सरकार ने बनाई। क्यों बनाई साथियों? क्यों? क्योंकि जो है कुछ साथी लोग यहां कह रहे थे कि सरकार जो है आदिवासियों की नसबंदी कर रही थी, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारी सरकार अभी जो है हमारे बच्चों की बौद्धिक नसबंदी कर रही है। क्यों? क्योंकि आदिवासी पढ़ना नहीं चाहिए, ये अभी की सरकार बोल रही है। हमारा समाज को अगर मजबूत करना है तो हमारी शिक्षा नीति आना चाहिए, नई शिक्षा नीति बनना चाहिए, और हमारा इतिहास हमको पढ़ाने की शिक्षा होना चाहिए, हमारी मातृभाषा में शिक्षा होना चाहिए। ऐसी शिक्षा नीति की मुझे लगता है कि ऐसी शिक्षा नीति की जरूरत है। आपकी जय, जय आदिवासी। धरती माता पूर्णा चढ़ लाग्या, धरती वो माता ने पाया पड़ावा, ते माता पूर्णा चढ़ लाग्या, धरती वो माता ने पाया पड़ावा, धरती माता पूर्णा चढ़ लाग्या, धरती माता खुशी माना चढ़ावा, ते माता पूर्णा चढ़ लाग्या, धरती माता खुशी माना चढ़ सामती में घाघरी वाज कागो धड़ी रोली नगावा माती में घाघरी वाज कागो धड़ी रोली नगावा निवा तेरे पे टोपी गोवा गोपन आई लग्या रे भाई बेटा जो आल्यावा पेटो पे गोवा मागो पणे आईला यारे भाई बेटा ने काका बाबा ने सुरा रे यामु रंग माबो देनु पड़ी भक्त निवा काका बाबा ने सुरा रे यामु रंग माबो देनु पड़ी गया। मेदाराम जी गोगरा साहब से आग्रह करता हूँ कि वो भी अपनी बात को यहाँ पर आकर के रखे। गोगरा साहब, आदिवासी लोग प्रगति को मालिक समझते हैं और तथाकथित भोगवादी लोग प्रगति का मालिक बनना चाहते हैं। हम इस मानसर की धाम से अपील करते हैं कि प्रगति का मालिक बनने की जो होड़ है उसको रोको और मानवता के संरक्षण के लिए प्रकृति के संरक्षण की तैयारी करो और एक ऐसा आंदोलन देश के अंदर चले जो प्रकृति बचाओ आंदोलन को हम खड़ा करने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं राजस्थान के बारे में कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने 5 साल बाद कानून बनाया और 14 साल बाद नियम बनाए, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमारे आदिवासियों के हित के अंदर विचार या उसके बारे में चिंतन मनन है या नहीं, ये एक शंका का विषय बनता जा रहा है। हमारे राजस्थान में जो पैसा नियम के नियम बड़े कानून के वो ठीक नहीं है, उसी बात को लेकर के हम पूरे भारत के 8 राज्यों के लोग दिल्ली में बैठे थे, जंतर मंतर पर धरना दिया और भारत सरकार के जनजाति मंत्री और वहां के पंचायती राज मंत्री से संपर्क करने के बाद में हमने ये कहा कि राष्ट्रपति ने जो कानून पास किया उसमें कहा गया है ग्रुप ऑफ हैमलेट अर्थात आवास या आवासों की जो एक निश्चित ग्रुप है
उसको गांव सभा माना जाना चाहिए, ये राष्ट्रपति के कानून में है। लेकिन हमारे राज्य सरकारों ने जो गांव की परिभाषा जो की है, वो गांव की परिभाषा अभी तक स्पष्ट किसी भी राज्य में नहीं की है, जिसकी वजह से पैसा कानून को 8 राज्य में सही रूप में लागू नहीं हो पाया है, ये हम इस रूप में कहना चाहते हैं। मैं मजली बहन सेंधवा से पधारी हैं, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप यहां पर आकर के अपने विचारों को प्रस्तुत करें। मजली बहन, मुझे लगता है कि जो अपने समाज के लिए अपन बार बार इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग के यहां पर बात आ रही थी कि ऐसे सम्मेलन करने से नहीं होगा है ये बदलाव, तो क्या करना चाहिए ये हम लोग भी सोचते रहते हैं। तो ये है कि आज जैसे हम लोगों को हमारे दिमाग में यही खटकता रहता है कि हम तो अभी बड़े हो रहे हैं, कुछ करने के दिन अभी शुरू हो रहे हैं, जो जैसे लोग बहुत सारे यहाँ भाषण कर रहे हैं, तो किसी किसी पद पे है, तो ये तो देखते हुए आ रहे हैं पहले से कैसा बदलाव आ रहा है अपने समाज के ऊपर, तो हमारे जैसे लोगों को कैसे पता चलेगा। ये सब अभी अभी देखने में आ रहा है कि हमारे समाज के लोग यहाँ पर आके एक दिन आके ड्रेस पहन के आ जाते कि हमारा समाज को हम बचाएंगे, लेकिन दूसरे दिन जाके तो वो बदल जाते हैं। क्या यही है अपना समाज को हम रख सकते हैं क्या? हमारा सोचने का तो यही हो रहा है कि हम भी हमारे समाज को रखें, लेकिन कैसा रखें? फिर ये है कि जो भी पद पे है लोग वो अपने समाज का ड्रेस पे रहे तो और भी अच्छा रहे। और जैसे लड़कियों और महिलाओं की स्थिति देखते हुए हमें ये लगता है कि जो आज आदिवासियों के बीच में गाने बनते हैं लड़के और महिलाओं के ऊपर, तो हम समाज को बचाते हैं, हमारा समाज ऐसा होना चाहिए, तो ये पहले नहीं था। और कैसेटे आजकल चल रही है लड़कियों के गाने के ऊपर, तो वो हमारे दिमाग में क्यों नहीं खटकता है? ये खटकना चाहिए क्योंकि हमारे समाज में ये चीज नहीं था और हम क्यों नहीं बदल पा रहे हैं इस चीज को। है आप यहाँ पर पधारे हैं कालूराम जी, अभी ऐसा मालूम हुआ कि हम लड़ाई लड़ते हैं पर हमारे पीछे कौन है? तो कोई नहीं, तो इसीलिए हम जिस धरती पर जीवन जिताते थे वो धरती सेठ साहूकारों ने हड़प किया निकाला, और ब्रिटिश के नाम में जितने भी जमीन 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 पे अधिकार था वो जंगल भी छीना लिया आजादी के बाद, ये शर्म की बात है। शिवाजी को भी मदद हमारे की है, ये वास्ता है, जब हमारे परवानगी के बिना तुम उधर सूरत के बगैर नहीं लूट सकते, और इसीलिए तह किया बाद में सूरत के, आदिवासी का कोई भी शिवाजी का इतिहास में नाम नहीं है। हम मर चुके हैं लड़े समाज के लिए, मगर समाज में जागृति पैदा होने के लिए भी कुछ नहीं। जो आदिवासी महिलाओं की समस्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। तो मुझे महिलाओं के बारे में दो शब्द रखना है। हमारे बारू दादा बोल रहे थे कि हमारी संस्कृति जो है वो नेचुरल है, हमारी संस्कृति में नदी नाले समाविष्ट केलेले आहे जे भेद करत नाही, तो हमारी संस्कृति में भी स्त्री पुरुष के बारे में भी भेद नहीं है। जो हमारी संस्कृति हम जी रहे हैं वो कौन सी प्रकार की है? जो संस्कृत सुसंस्कृत होतला सुधर लेले समाज बनता है, उन समाज की संस्कृति कैसी है और हमारी संस्कृति कैसी है? हमारे संस्कृति में स्त्री आणि पुरुषाला समानता दिलेली आहे। हमारे समाज में स्त्री और पुरुष, हमारे समाज में बेटी जन्म आए तो हमारे ऊपर बात नहीं होती है, क्योंकि हम हुंडा देते नहीं, हम दहेज लेते हैं, ये हमारी संस्कृति है। गुजरात से एलएम पाड़वी, यहाँ कुछ विधायक आयुक्त है, यहाँ कुछ सोशल लोग आए हुए, तो उसने एक बात पे काफी जोर रखा कि भाई आदिवासियों को शिक्षा मिलना चाहिए और वो सही ढंग से मिलना चाहिए। उन भाई ने बताया कि भाई शिक्षा काफी महंगा हो गया है, उसका नतीजा वो है।
एक मुझे एडवोकेट को तौर पे यहाँ से बोलने का जो मौका दिया गया है, तो आप सब आदिवासी भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि जो कानून है, कायदे है, आप उस पे ज्यादा भरोसा मत रखिए। ये समाज को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। कानून समाज को कंट्रोल में करने के लिए है। अगर आप आदिवासी समाज को अगर ऊपर उठना है तो कानून से भी ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके ये आदिवासी लोगों का, आदिवासी समाज का विकास होगा। आइंदो देवा रोवाचो देवली माड़ी, रोवाचो तुड़ोरो देवली माड़ी, रोवाचो कोमाई माड़ी, रोवाचो आइंदो देवा रोवाचो गोवाल देवा रोवाचो तुड़ोरो 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 रोवाचो गोवाल देवे रोवाचो देवाहे दौड़ी रोवाचो देवाहे किरचो रोवाचो देवाहे नापरी रोवाचो तुड़ोरो रोवाचो तुड़ोरो रोवाचो तुड़ोरो रोवाचो तुड़ोरो रोवाचो निर्चावाली रोवाचो निर्चावाली रोवाचो चावाली रोवाचो चावाली रोवाचो तुड़ोरो 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 रोवाचो चाहिए खरे रोवाचो देवाहते रे रोवाचो देवाहते रे रोवाचो देवाहते रे रोवाचो तुम्हारा 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 रोवाचो गान है धरती माता तेरे गाते गुनगान गाते गुनगान गाते गुनगान है धरती माता तेरे गाते गुनगान श्रद्धा के फूल चढ़ाते तुझको शब्दों की माला पहनाते हैं गाते गुनगान हम गाते गुनगान हे धरती माँ तेरे गाते गुनगान। भोगरा गांव के लोग आएंगे तो होली नृत्य ऐसे करते हैं, जब होली होती है उसके बाद फिर शादी होती है तो होली के बाद शादी होती है। हर एक आदिवासी समाज में होली के बाद पूजन हो के बाद ही शादी करते थे, ऐसा रीति रिवाज था। दिवाली के बाद सगाई हो सकती शादी होली के बाद ही करते थे। होली का नाच 15 दिन तक चलता था और अपने समाज में एक महीने पहले से शुरू हो जाता था और ऐसे होली के बाद भी 15 दिन तक लोग गांव गांव में घूमते थे और नृत्य करते थे। ऐसे हर एक आदिवासी समाज में आदिवासी लोग करते थे, सिर्फ आदिवासी लोग गाने गाते थे, आदिवासी लोग नृत्य करते थे, आदिवासी लोग संगीत बजाते थे। ये आदिवासी की
परंपरा है। एक ही प्रकार के गाने हैं, चाहे भाषा अलग अलग है, लेकिन गाने का भाव अर्थ एक ही होता है। होली में क्या आता है, होली क्या खाएगी, होली में क्या खजूर खोपरे अंडा जो कुछ है वो नारियल वही लगाएंगे। होली कब से राह देख रहे थे, आज आई बारह बारह साल बारह बारह महीने के बाद होली आई। ऐसे किस गाते हैं, ऐसे चौधरी का भी समाज हो गया, गोपन को हर एक जाति में अलग अलग होते हैं, फिर भी संदेश एक ही है, बात एक ही है।